गुड इवनिंग एवरी वन वेलकम बैक वेलकम बैक चलो वेलकम बैक एवरी वन लास्ट मिनट रिविजन विद आर एस एम एंड टूडे पेपर वन का रिविजन करेंगे पेपर वन इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स विद विदी क्यूज सो अन एकेडमी के सेशनस हम आठ बजे ही लेते थे अभी फिलहाल आपको हर दिन यूट्यूब पे लाइव सेशन मिलेंगे एंड दिस सेशन विल बी टाइमिंग विल बी फिक्स एट ओ क्लाक का ही अपना टाइमिंग है तो so, फिलहाल आपको क्या करना है लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है ऐप को डाउनलोड करना है और ऐप में फ्री स्टडी मटेरियल का टैब है वहाँ पे आपको एन पेपर वन पेपर टू दोनों के एम सी की उसकी जो पी है वो वहाँ पर मैं अपलोड करता हूँ वहाँ पर बहुत सारे पी ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं एंड ये जैसे जैसे सेशंस अपने आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे सारी चीज़ें आपको वहाँ पे अपलोड होती रहेगी तो डोंट फॉरगेट टू डाउनलोड दी लास्ट मिनट रिवीजन विद आरएसएम ऐप और अगर वो ऐप आप में आपको सारी चीज़ें मिलने ही वाली है और बहुत सारी चीज़ें फ्री में मिलने वाली है वहाँ पे तो ऐप डाउनलोड कर ले और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले बिकॉज अभी आपको यूट्यूब पे ही सेशंस कंटिन्यू होते रहेंगे आपके एग्जाम तक पेपर वन हो या पेपर टू हो और टाइमिंग हमारा फिक्स रहने वाला है टाइमिंग विल बी इवनिंग एट ओ क्लॉक ठीक है चलो बहुत सारे बच्चे जुड़ रहे हैं जैसे जैसे आप जुड़ रहे हो वैसे, वैसे वैसे कमेंट सेक्शन में कमेंट करते रहे तो सो so दैट मैं देख पाऊँ कि आप जुड़ रहे हैं ताकि अगले जो पॉइंट्स होंगे उसके साथ हम हमारी शुरुआत कर पाए सो so, पॉजिटिविटी से शुरू करते हैं हमेशा हम हमारे लेक्चर को सो यू डोंट हैव टू बी ग्रेट टू स्टार्ट बट यू हैव टू स्टार्ट टू बी ग्रेट काफ़ी इंपॉर्टेंट है आज का पॉजिटिविटी तो इस बेसिस पे आपको हमेशा स्टार्ट करना है ताकि आप कोई भी एग्जाम हो छोटे से छोटे एग्जाम हो या बड़े से बड़े एग्जाम हो आपका गोल या आपका जो टारगेट रहेगा वो फिक्स अगर रहेगा तो आप उसको ईजी तरीके से अचीव कर सकते और आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है सबका लिंक मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करके रखा है टेलीग्राम लिंक जो चैनल का लिंक है वो डाउनलोड कर ले लास्ट मिनट रिविजन भी डायरेम बिकॉज वहाँ पर भी आपको पी जो है वो टाइम टू टाइम बेसिस पे मैं अपलोड करते रहता हूँ और सारे नोटिफिकेशन आपको टाइमली बेसिस पे मिलेंगे कब लेक्चर होगा कब लेक्चर नहीं होगा तो ये दो चीज़ें पहले आप कर लें ठीक है चलो शुरू करते हैं आज के सेशन को Uh, देखो सेशन कैसे होने वाला है हम यहाँ पे फिफ्टीन क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे तो पहले आपके सामने क्वेश्चन डिस्प्ले होगा फिर आपको उस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है जैसे कि अगर वन का आंसर है बी uh, तो वन का आंसर बी आपको कमेंट करना है तो इस तरीके से आपको पहले कमेंट करना है उसके बाद फिर हम हमारे क्वेश्चन को आंसर के साथ डिस्कस करेंगे तो क्वेश्चन नंबर वन आपके लिए ये रहा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ऑब्लिक करेक्ट। तो हम अभी स्टेटमेंट फॉर्मेट के क्वेश्चन आप सभी को पता ही है आई बेसिकली ऑलवेज ब्रिंग सम स्टेटमेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन वाई स्टेटमेंट are ऑफ क्वेश्चन स्टेटमेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन में एक क्वेश्चन में आपको दो कंसेप्ट पढ़ने मिलते हैं और कम क्वेश्चन में हमारा रिविजन हो पाता है तो फर्स्ट ऑफ ऑल विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ऑब्लिक आर करेक्ट कहता है स्टेटमेंट नंबर वन हमको दिया है टीचिंग इज अ डिपेंडेंट प्रोसेस तो सबसे पहले देखते हैं टीचिंग क्या डिपेंडेंट प्रोसेस है और स्टेटमेंट नंबर टू कहता है प्रीवियस नॉलेज इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग तो अभी हमको क्या करना है इन दोनों में से कौन से करेक्ट है उसको आइडेंटिफाई करना है क्या टीचिंग एक डिपेंडेंट प्रोसेस है हाँ बिल्कुल टीचिंग एक डिपेंडेंट प्रोसेस है बिकॉज यहाँ पे क्या होता है यहां पे एक टीचर है ठीक है एक इंस्ट्रक्टर है और यहां पे स्टूडेंट है तो स्टूडेंट इज ऑलवेज डिपेंडेंट ऑन द टीचर एनी काइंड ऑफ टीचिंग लर्निंग तो स्टूडेंट स्टूडेंट जो क्या होता है student, हमेशा एक डिपेंडेंट पर्सन है टीचर के ऊपर तो स्टूडेंट हमारा जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है और टीचर जो है दैट इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल यही बातें हमने एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में भी पढ़ ली थी तो टीचिंग एक डिपेंडेंट प्रोसेस है हाँ बिल्कुल सही है टीचिंग एक डिपेंडेंट प्रोसेस है बिल्कुल सही टीच और स्टेटमेंट नंबर टू कहता है प्रीवियस नॉलेज इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग तो कमेंट करते रहे आप मैं आपके कमेंट देख रहा हूँ चलो कमेंट में देखते हैं किसके किसके राइट right आंसर आ चुके हैं चलो ऑल ऑफ यू आर कमेंटिंग येस ये वेरी गुड वेरी गुड कमेंट करते रहे कमेंट स्टॉप ना करें बिकॉज यहाँ पे हमको पोल वाला ऑप्शन अवेलेबल नहीं है यहाँ पे हम सिर्फ आप कमेंट में कमेंट कर सकते हैं बट दोस्ू आर ज्वाइनिंग न्यू फॉर दिस सेशन तो एवरी डे एट ओ क्लॉक के ऊपर एट ओ क्लॉक में हम लोग सेशंस लेते हैं और ये सारे सेशंस आपको फ्री में मिलते हैं तो बेसिकली अनडमी पर भी मैंने बहुत सारे सेशंस लिए हैं और अभी फिलहाल उनका फ्री uh, सेशंस का टैब जो है वो बंद हुआ है फॉर द एजुकेटर्स तो बहुत सारे uh, जो फ्री सेशनस उन्होंने रखे थे सिंस माई कॉन्ट्रैक्ट वॉज फॉर टू मंथ्स तो टू मंथ्स का कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है ख़त्म तो कोई प्रॉब्लम नहीं आपको अभी ये सारे मिलने चाहिए तो इसीलिए हम YouTube पे सेशन कंटिन्यू करेंगे प्रीवियस नॉलेज इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग चलो बहुत सारे बच्चों का आंसर ऑलरेडी आ चुका है ये प्रीवियस नॉलेज बहुत ही जरूरी है आपके लर्निंग प्रोसेस में बिल्कुल सही है स्टेटमेंट नंबर वन भी सही है स्टेटमेंट नंबर टू भी सही है इसलिए आपका राइट right आंसर बनने वाला है ऑप्शन नंबर ए दैट इज बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट सो दैट इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट दोनों स्टेटमेंट्स हमारे करेक्ट है पेपर में यूजुअली स्टेटमेंट्स के टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं चलो तो कोई प्रॉब्लम नहीं चलो तो कमेंट में कमेंट सबके आते गए मैंने देखा सबके कमेंट्स काफी बढ़िया तरीके से आप आंसर कर रहे हो सेकेंड क्वेश्चन आपके सामने ये रहा डैश रिजल्ट इन इफेक्टिव टीचिंग तो हमेशा आपको पेपर में इफेक्टिव टीचिंग के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं क्लासरूम डिसिप्लिन पंक्चुअलिटी ऑफ द स्टूडेंट्स रेफरेंसिस यूज बाय द टीचर या क्लियर कम्युनिकेशन देखो ध्यान से देखो बहुत बढ़िया तरीके का क्वेश्चन है एंड आई होप कि दिस क्वेश्चन विल बी राइट फॉर ऑल ऑफ यू जिस सी कि आप गलत एंसर ना करें तो कमेंट सेक्शन में जल्दी जल्दी कमेंट करें मैं आपके कमेंट का वेट कर रहा हूँ चलो कमेंट सबके आ रहे हैं धीरे 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 चलो वेरी गुड वेरी गुड ऑल ऑफ यू कमेंट सबके राइट भी आ रहे हैं तो डैश रिजल्ट तो इन द इफ़ेक्टिव टीचिंग तो इनमें से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो आपके इफेक्टिव टीचिंग को रिलेट करता है तो क्लासरूम डिसिप्लिन पंक्चुअलिटी स्टूडेंट्स रेफरेंसेस यूज बाय द टीचर या क्लियर कम्युनिकेशन तो सबसे इंपॉर्टेंट और रिलीवेंट अगर यहाँ पे कोई आंसर है तो वो है आपका ऑप्शन नंबर डी बिकॉज क्लियर कम्युनिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट अनलेस एंड अनटिल द कम्युनिकेशन इज क्लियर स्टूडेंट्स के नॉट अंडरस्टैंड आप फिर बाकी कोई भी टीचिंग एड्स को यूज करें लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो uh, टीचिंग में होता है वो होता है कि आपका कम्युनिकेशन कितना क्लियर है आप जो एक्सप्लेन कर पा रहे हो वो आपके स्टूडेंट्स को कितना अच्छी तरीके से समझ रहा है दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट तो राइट आंसर यहाँ पे आपका बनेगा क्लियर कम्युनिकेशन आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू क्वेश्चन नंबर थर्ड में जाते हैं इफेक्टिव टीचर डैश अलाउ स्टूडेंट्स टू आस्क क्वेश्चन कंप्लीट द सिलेबस विद इन द टाइम प्रोवाइड्स अ वाइटी ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंसिस एंड एक्सप्लेन एवरी थिंग टू दी एब्सेंट स्टूडेंट्स तो इस तरीके के भी क्वेश्चन आपको जनरल क्वेश्चन है लेकिन हमें इस टाइप के क्वेश्चन को इस तरीके से आंसर करना है जिस तरीके से एन टी ए सोचता है आप अपने तरीके से आंसर करने का ट्राई ना करें बिकॉज कभी कभी ऐसे होता है कि वॉट एवर वी आर थिंकिंग वो आंसर नहीं होता एन टी ए की तरफ से जो मॉडल आंसर्स आते हैं उसमें कोई अलग ही टाइप का आंसर होता है चलो कमेंट करे जल्दी जल्दी एवरी वन इज कमेंटिंग यस गुड 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 जल्दी जल्दी कमेंट करो ताकि मुझे भी पता चले आपका आंसर क्या है वेरी गुड वेरी गुड ऑल ऑफ यू वेरी गुड सबका कमेंट आ रहा है धीरे धीरे चलो अभी डिस्कस करेंगे इफेक्टिव टीचर अलाउ स्टूडेंट्स टू आस्क क्वेश्चन कंप्लीट सिलेबस विद इन टाइम प्रोवाइड्स अ वराइटी ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंस एंड एक्सप्लेन एवरीथिंग टू टू दबसेंट स्टूडेंट तो इसमें से अगर रिलीवेंट आंसर देखे तो आपका राइट right आंसर है सी देखो कैसे सी हो रहा है कि अगर इफेक्टिव टीचर जो है मतलब जो एक टीचर होगा वो इफेक्टिव कब बनेगा जब वो अपने पीपल्स को दैट इज द स्टूडेंट्स को क्या करे बहुत सारा लर्निंग एक्सपीरियंस प्रोवाइड करे अगर वही वही घिसी पिटी चीजें बता रहा है तो दैट विल बी प्रॉब्लमेटिक स्टूडेंट्स विल गेट बोर्ड उनका इंटरेस्ट बना नहीं रहेगा इसीलिए क्या करना है वराइटी ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंस प्रोवाइड करना बहुत ही जरूरी बन जाएगा एंड दैट इज दी ऑप्शन नंबर सी तो सी आपका राइट आंसर यहाँ पे बनने वाला है तो थर्ड क्वेश्चन का हमारा आंसर है सी ठीक है बहुत सिंपल तरीके से आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं ताकि मेन पार्ट आपको दिमाग में ये सारी चीजें फिट रहे ताकि पेपर में जब आप जाओगे तब ये सारी चीजें आपको वहां पर हेल्प करेंगे क्वेश्चन नंबर फोर्थ में जाते हैं इफ यूअर स्टूडेंट्स हैव प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू लर्निंग यूअर सब्जेक्ट देन द बेस्ट सोल्यूशन इज इंक्रीजिंग द होमवर्क सुपरवाइज स्टडी डायग्नोस्टिक टीचिंग या फ्रीक्वेंट असेसमेंट आई होप दिस क्वेश्चन इज वेरी सिंपल एंड एवरी वन विल गिव द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन लेट लेटस सी हाउ मेनी कमेंट्स आर कमिंग इन द कमेंट सेक्शन चलो जल्दी जल्दी कमेंट करें जल्दी जल्दी फिर मैं आपको डिस्कस करवाता हूँ मैंने बहुत बार ये कॉन्सेप्ट्स आपको ऑलरेडी डिस्कस करवाए हैं तो चलो बहुत बढ़िया एवरी वन इज कमेंटिंग क्या बात है बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया इफ़ यू आर स्टूडेंट्स हैव प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू लर्निंग योर सब्जेक्ट देन द बेस्ट सोल्यूशन विल बी देखो अगर स्टूडेंट्स को कोई भी प्रॉब्लम्स है पढ़ने में ठीक है लर्निंग में कोई भी प्रॉब्लम्स है तो ये प्रॉब्लम्स क्यों है उसकी कॉस हम लोग ढूंढेंगे और फिर उसके ऊपर क्या करेंगे हम उसके ऊपर हम रेमिडियल एक्शंस लेंगे ठीक है मतलब सिंपल चीज़ है उसके ऊपर क्या एक्शंस लिए जाएंगे कि ये प्रॉब्लम सॉल्व हो ऐसे टाइप के कंसेप्ट को क्या बोला जाता है ऐसे टाइप के कंसेप्ट को बोला जाता है डायग्नोस्टिक टीचिंग ठीक है डायग्नोसिस करना बेसिकली कि स्टूडेंट को ये प्रॉब्लम क्यों हो रहा है ये प्रॉब्लम होने के पीछे क्या क्या रीजंस है फिर वो रीजंस के बेसिस पे हम करेक्टिव मेशर्स या रेमिडियल एक्शंस लेंगे तो राइट आंसर आपका यहाँ पे बनने वाला है ऑप्शन नंबर सी बहुत सारे बच्चों ने ऑलरेडी इसका सही आंसर दे दिया है वेरी गुड ऑल ऑफ यू चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं आपके रिसर्च का क्वेश्चन ऑलरेडी बहुत बार डिस्कस किया है पेपर में बार बार आता है फिर भी एक बार फिर से डिस्कस करेंगे अ प्रपोजल दैट में प्रोविजनली सर्व एज अ स्टार्टिंग पॉइंट फॉर फर्दर रिसर्च इज नोन एज डैश हाइपोथिस थियोरी मॉडल या प्रिंसिपल ध्यान से आंसर करना चलो आई एम वेटिंग फॉर योर कमेंट्स एवरी कमेंट चलो कमेंट कर रहे हैं सब लोग जल्दी जल्दी कमेंट करें फिफ्थ का आंसर क्या है चलो गुड 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 ऑल ऑफ़ यू बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया सबका आंसर राइट right आ रहा है क्या बात है चलो बहुत बढ़िया सभी को पता है तो हमने डिस्कस किया था कि एक ऐसा स्टेटमेंट जिसको हम क्या कहते हैं इट्स अ टेंटेटिव स्टेटमेंट ठीक है हमने क्या किया हमने एक टेंटेटिव स्टेटमेंट बनाया और वो टेंटेटिव स्टेटमेंट को टेस्ट करने के लिए हम फिर क्या करते हैं हम डेटा को कलेक्ट करते हैं और फिर डेटा का क्या होता है एनालिसिस होता है और वो एनालिसिस में हम फिर कौन से पैरामेट्रिक और नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट का यूज़ करते हैं पैरामेट्रिक या नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट का हम यूज़ करेंगे डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन अगर हमारा डेटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रहा तो फिर हम क्या करेंगे पैरामेट्रिक टेस्ट का यूज़ करेंगे एंड इफ अवर डेटा इज नॉट नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हम फिर कोई बहुत सारे नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट का भी यूज़ करके फिर हाइपोथिस को टेस्ट कर सकते हैं मैंने आपको हाइपोथिस के बारे में भी बताया था कि एक हमारा होता है एच जीरो जिसको हम क्या कहते हैं नल हाइपोथिस कहते हैं और एक होता है हमारा एच वन जिसको हम क्या कहते हैं ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस कहते हैं ठीक है नल हाइपोथेसिस हमेशा क्या कहते हैं देर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स जो भी दो वेरिएबल्स के बीच में हम रिलेशनशिप ढूंढना चाहते हैं उसमें कोई भी रिलेशनशिप नहीं है और ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस क्या कहते हैं देर विल बी रिलेशनशिप और हमेशा याद रखना ये भी पेपर में पूछा जाता है कौन सा हाइपोथेसिस हमेशा टेस्ट किया जाता है तो नल हाइपोथेसिस जो होता है वो हमेशा टेस्ट किया जाता है अल्टरनेट हाइपोथेसिस हम कभी टेस्ट नहीं करते तो नल हाइपोथेसिस अगर टेस्ट करने के बाद रिजेक्ट होता है तो दैट मींस दैट अल्टरनेट हाइपोथेसिस विल बी एक्सेप्टेड तो यहाँ पे आपका राइट right आंसर क्या बनने वाला है हाइपोथेसिस एंड मोस्ट ऑफ यू हैव गिवन द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा याद रखने वाला क्वेश्चन है तो दिमाग में इसको फिट रखो फुल फॉर्म पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट फुल फॉर्म ऑफ सी सी इन द कंटेस्ट ऑफ इंडियन फिल्म तो इंडियन फिल्म के बेसिस पे CBFC का क्या फुल फॉर्म है लेट अस सी हु गिव्स द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन आई एम रिसीविंग द कमेंट्स चलो कमेंट जल्दी जल्दी करें मैं कमेंट सबके देख रहा हूँ काफी बढ़िया चलो कमेंट दे रहे हैं बच्चे कोई ए कहता है कोई बी भी कह रहा है क्या बात है क्या बात है चलो बढ़िया बढ़िया विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट फुल फॉर्म ऑफ सी बी एफ सी इन द कंटेस्ट ऑफ इंडियन फिल्म राइट आंसर आपका बनने वाला है सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन तो सी बी एफ सी दो है इंडियन फिल्म के बेसिस पे फुल तो फॉर्म क्या है ट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन तो दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन पेपर कभी कभी पूछे जाते हैं थोड़े याद रखने कम्युनिकेशन से आया है तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए इन द कॉन्टेस्ट ऑफ कंप्यूटर कंप्यूटर से है जनरेटेड टाइप टेक्स्ट आइडेंटिफाई दॉन वर्बल क्लियु फ्रॉम द फॉलोइंग इनमें से नॉन वर्बल आपको हटाना है ऑर्डमैन आउट जो है वो निकाल देना है ए है बोल्ड बी है इमोटिकॉन सी है इटैलिक या डी है अंडरलाइन तो ध्यान से इसमें से ऑड मैन आउट करना है निकाल देना है ऑड मैन आउट बहुत ही सिंपल है इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन लेट अस सी हाउ मेनी कमेंट्स आई एम एबल टू सी तो बहुत सारे कमेंट्स तो ऑलरेडी आना शुरू हो गए क्या बात है सभी का राइट आंसर दिख तो रहा है यहाँ पे वेरी गुड वेरी गुड ऑल ऑफ यू ऑल ऑफ यू हैव गिवन द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन मोस्ट ऑफ यू हैव गिवन द राइट आंसर तो सबका राइट right है देखो बोल्ड है इटैलिक है और अंडरलाइन है ये तीनों सिमिलर है एक ही हमारा यहाँ पे ऑड मैन आउट दिख रहा है इमोटिकॉन तो इमोटिकॉन यहाँ पे आपका राइट right आंसर बन जाएगा ऑड मैन आउट बोला था तो राइट right आंसर यहाँ पे बनने वाला है आपका इमोटिकॉन नेक्स्ट क्वेश्चन पीपल एंड एनवायरमेंट में से है डैश इज मेनली रेस्पॉन्सिबल फॉर डेप्लीशन ऑफ द ओजोन तो आपने देखा होगा मॉन्ट्रिल प्रोटोकॉल बहुत सारे प्रोटोकॉल बनाए गए हैं ओडीएस ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस के लिए तो बेसिकली ओजोन लेयर को प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत सारे आ, एक्शंस लिए जाते हैं बेसिक पॉइंट इसके ऊपर हमेशा आपको पेपर में क्वेश्चन देखने को मिलता है तो यहाँ पे कुछ इस तरीके का क्वेश्चन है कि डैश इज मेनली फॉर डिप्लीशन ऑफ द ओजोन इन द स्ट्रेटोस्फियर क्लोरो फ्लोरोबन क्लोरिन सल्फर डाइऑक्साइड या कार्बन डाइऑक्साइड तो याद रखना काफी इंपॉर्टेंट है तो जो भी आपका डिप्लीशन ऑफ द ओजोन है उसके लिए कौन सा इनमें से पॉइंट रेस्पॉन्सिबल होगा लेटस सी गिवन द राइट आंसर देखो देखते हैं कमेंट में आपके राइट आंसर आने चाहिए जल्दी जल्दी कमेंट करें सभी लोग आई एम वेटिंग फिर आंसर बताता हूँ कमेंट आना शुरू हो गए क्या बात है क्या बात है वेरी वेरी गुड गुड ऑल ऑल ऑफ ऑफ यू यू आर कमेंटिंग राइट राइट चलो बहुत सारे भी आ रहे हैं कुछ अलग अलग टाइप के भी आंसर्स है तो डैश इज मेनली रेस्पॉन्सिबल फॉर द डिप्लीशन ऑफ ओजोन इन द दटोस्फियर दैट इज कॉल्ड क्लोरो ठीक है तो इसका राइट आंसर क्या बनेगा क्लोरो तो अजर्शन और रीजन के भी क्वेश्चन हम करने वाले हैं मैं आपको टेक्निक मैंने अन एकेडमी पे ऑलरेडी बताया फिर से एक बार यहां पे भी बता दूंगा तो ये आपके सामने अग, अगला क्वेश्चन स्टेटमेंट फॉर्मेट का फिर से एक बार आ चुका है एक्सपेरिमेंटल एंड एक्सपोस्ड फैक्टो रिसर्च फॉर्मैट्स फोकसिस ऑन हाइपोथिस टेस्टिंग एंड जनरलाइजेशन और स्टेटमेंट नंबर टू कहता है क्वालिटेटिव रिसर्च पुट एम्फोसिस ऑन नॉन न्यूमेरिकल डेटा ध्यान से आंसर करें बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन है चलो लेट अस सी हु हैज गिवन द राइट आंसर किसके किसके राइट right आंसर आ चुके हैं बहुत सारे बच्चे राइट right आंसर दे रहे हैं वेरी गुड वेरी गुड आई एम वेटिंग फॉर योर कमेंट्स ताकि आपके सबके कमेंट्स आ जाए फिर इसको डिस्कस करेंगे यहाँ पे पोल वगैरह नहीं है तो बेसिकली आप अपने काउंटिंग खुद ही करें कि आपके कितने सवाल सही हुए कितने क्वेश्चंस आपके राइट right हुए और कितने क्वेश्चंस में आपने सिली मिस्टेक किए तो आपको ही आपका काउंटिंग करना है हमारा मेजर इंटेंशन है कि हमारी जो पढ़ाई है वो रुकनी नहीं चाहिए मेरे तरफ से आपको जो भी अन एकेडमी पे फ्री सेशंस मिल रहे थे वैसे ही फ्री सेशंस आपको अभी यूट्यूब पर भी मिलेंगे ताकि आप सभी के प्रिपरेशन्स में थोड़ा सा एक कॉन्ट्रीब्यूशन मेरी तरफ से हो पाए तो स्टेटमेंट नंबर वन एक्सपेरिमेंटल एंड एक्सपोज फैक्टो रिसर्च फॉर्मेट्स फोकस ऑन द हाइपोथिस टेस्टिंग एंड जनरलाइजेशन बिल्कुल सही तो यहाँ पे हाइपोथिस टेस्टिंग और जनरलाइजेशन की बात की जाती है मैंने आपको बताया था एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में क्या होता है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में हमारे दो वेरिएबल होते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल यही रिसर्च में हम यूजुअली कॉज एंड इफेक्ट की बात करते हैं तो कॉज एंड इफेक्ट काफी इंपॉर्टेंट है इंडिपेंडेंट वेरिएबल को हम क्या करते हैं मैन्युपुलेट करते हैं और उसका इम्पैक्ट देखते हैं हम डिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर मैंने बार बार बताया इंडिपेंडेंट वेरिएबल में हम एग्जाम्पल ले सकते हैं टीचर और डिपेंडेंट वेरिएबल में वी कैन टेक एन एग्जाम्पल ऑफ द स्टूडेंट तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल को क्या होता है मैन्युपुलेशन करते हैं टीचर के टीचर क्या करता है अपने टीचिंग स्टाइल में चेंजेस लाता है और उसका इम्पैक्ट देखता है स्टूडेंट के ऊपर क्या पड़ेगा एक्सपोस्ट फैक्टो रिसर्च मैंने आपको बताया था एक्सपोस्ट फैक्टो रिसर्च क्या होता है दैट इज आफ्टर द इंसिडेंट एक इवेंट ऑकर होने के बाद ये टाइप का रिसर्च किया जाता है तो दिस इज रिलेटेड विद द हाइपोथेसिस टेस्टिंग एंड जनरलाइजेशन येस बिल्कुल सही है तो स्टेटमेंट नंबर वन तो आपका सही है अभी स्टेटमेंट नंबर टू देखते हैं क्वालिटेटिव रिसर्च पुट एम्फोसिस ऑन नॉन न्यूमरिकल डेटा चलो कमेंट तो आपके आ ही रहे कमेंट अभी मैं देख रहा हूँ धीरे धीरे ताकि यहाँ पे कोई कंपटीशन तो हम नहीं कर रहे तो बेसिकली आप कमेंट अपने बेसिस पे करते रहे सिर्फ आपके दिमाग में जो कंसेप्ट है वो क्लियर होने चाहिए क्वालिटेटिव रिसर्च पुट एम्फोसिस ऑन नॉन न्यूमरिकल डेटा बिल्कुल सही है क्वालिटेटिव जो रिसर्च है वो नॉन न्यूमेरिकल डेटा पे ही फोकस करता है जैसे कि हमने बात की थी केस स्टडी रिसर्च है एथिनोग्राफिक uh, रिसर्च है ये सारे रिसर्च जो होते हैं वो क्वालिटेटिव रिसर्च रिलेटेड मेथड्स है जो बार बार हमने डिस्कस किए और पेपर में भी पूछे जाते हैं तो वेदर वी आर सीइंग अबाउट द न्यूमेरिकल डेटा इफ इट इज अ न्यूमेरिकल डेटा देन दैट रिलेट्स विथ क्वांटिटेटिव रिसर्च तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट नंबर टू भी सही है तो आपका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए दैट विल बी बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन आ गया आपका फेवरेट टाइप का क्वेश्चन सबका जो एग्जाम में गड़बड़ होता है हमारा और इसको सॉल्व करने का तरीका भी बताता हूँ किस तरीके से आप ऐसे टाइप के क्वेश्चन को बना सकते क्वेश्चन नंबर टेन आपके लिए ये रहा केस स्टडीज आर इन डेप्थ एग्जामिनेशन ऑफ अ सब्जेक्ट एंड इट्स रिलेटेड कंडीशन एंड रीजन कहता है कि दे आर यूज फॉर प्रोवाइडिंग अ डिटेल्ड एलोबरेट अकाउंट वन और मोर केसेस तो ध्यान से आंसर करें आई एम वेटिंग फॉर योर कमेंट्स जल्दी जल्दी, जल्दी कमेंट करें अभी यूजुअली बच्चे वन और टू वन और टू में से ही कमेंट करेंगे चलो आंसर तो सबके आना शुरू हो गए हैं आंसर आते जाए आपके आप कमेंट करते रहे और मैं आपको अभी डिस्कस करवाता हूँ देखो वेन एवर वी आर सॉल्विंग दी अजर्शन एंड रीजन टाइप जैसे मैंने थमनेल पर डाला था कि अजर्शन रीजन को कैसे सॉल्व करें तो अगर उसका आंसर नहीं दूंगा तो आप बताएंगे सर क्या थंबनेल पे कुछ और लिखते हो और अंदर कुछ और होता है ऐसा तो हम नहीं करेंगे तो बेसिकली अजर्शन ये कहता है कि केस स्टडीज आर इनडेप्थ एग्जामिनेशन ऑफ अ सब्जेक्ट

इन डेप्थ एग्जामिनेशन ऑफ सब्जेक्ट एंड इट्स रिलेटेड कंडीशन तो बिल्कुल सही है अब हम रीजन पढ़ेंगे तो अजरशन को दो मिनट साइड में रखते हैं रीजन पढ़ते हैं दे आर यूज फॉर प्रोवाइडिंग अ डिटेल्ड एलोबरेट अकाउंट वन और मोर केसेस ठीक है, है। detailed, cases, तो रीजन कहता है कि जो केस स्टडीज होते हैं वो प्रोवाइड करते हैं डिटेल एलॉबरेट अकाउंट वन और मोर केसेस का डिटेल्ड तो एक्सप्लेनेशन होता है इनडेप्थ एग्जामिनेशन होता है ऑफ ए सब्जेक्ट या फिर एक रिलेटेड कंडीशन बिल्कुल सही है रीजन भी अपने आप में सही है अभी हम क्या करेंगे अभी हम बीच में बिकॉज डाल के देखेंगे कि दोनों स्टेटमेंट एक दूसरे से को रिलेट करते हैं कि नहीं केस स्टडीज आर इन डेप्थ एग्जामिनेशन ऑफ अ सब्जेक्ट एंड इट्स रिलेटेड कंडीशन बिकॉज दे आर यूज फॉर प्रोवाइडिंग अ डिटेल्ड एलॉबरेट अकाउंट वन और मोर केसेस ये बिल्कुल सही रीजन इज जस्टिफाइंग दी अजर्शन इस तरीके से आपको अजरसन एंड रीज़न करने हैं रीज़न जो है वो जस्टिफाई कर रहा है अजर्शन को और जब रीज़न जस्टिफाई करता होगा अजर्शन को तो आपका ऑप्शन नंबर वन जो है यहाँ पे वो तेर आर आर ट्रू एंड आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए ये आपका आंसर यहाँ पे बनेगा तो दिस इज द टाइप ऑफ क्वेश्चन अजर्शन एंड रीजन यूजुअली पीपल फाइंड इट डिफिकल्ट तो मैंने इस तरीके से आपको बताया कि इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं लेकिन घुमा फिरा के बात एक ही हो जाती है कि आपका अगर कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा तो आप इस टाइप के क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे नेक्स्ट ग्यारहवा नंबर का क्वेश्चन फंडामेंटल रिसर्च कवर्स ऑल द नॉलेज एक्सपेरिमेंट्स वर्क टू गेट द न्यू वर्क नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन एंड स्टेटमेंट नंबर टू कहता है कि द रिसर्च विच इज यूज टू सॉल्व द प्रॉब्लम इमीडिएटली ऑन द डेवलपमेंट ऑफ द थ्योरी इज कॉल्ड एज लॉन्जिट्यूडनल रिसर्च ध्यान से आंसर करें uh, बहुत बढ़िया टाइप का क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है लेटर सी आपके तरफ से क्या आंसर आता है आई एम वेटिंग फॉर योर कमेंट्स जल्दी जल्दी कमेंट करते रहे आप कमेंट आना शुरू हो गया है आंसर आने शुरू हो गए हैं क्या बात है क्या बात है वेरी गुड वेरी गुड ऑल ऑफ यू चलो बहुत बढ़िया किसी का राइट right है किसी का गलत है मैं नाम नहीं ले रहा हूं आप अपने बेसिस पे चेक करते रहे तो ध्यान से द रिसर्च विच इज यूज टू सॉल्व द प्रॉब्लम इमीडिएटली स्टेटमेंट नंबर टू देखते हैं बिकॉज ये इंपॉर्टेंट क्रक्स है और एंटी हमेशा पूछता है जो भी इमीडिएट प्रॉब्लम सॉल्विंग की बात करेगा उसको हम कहते हैं एक्शन रिसर्च क्या कहते हैं दैट इज कॉल्ड एज एक्शन रिसर्च यूजुअली पेपर में एक्शन रिसर्च के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है द रिसर्च विच इज रिलेटेड विद इमीडिएट प्रॉब्लम सॉल्विंग इज कॉल्ड एज एक्शन रिसर्च और यहां पे बोल रहा है लॉन्जिट्यूडनल लॉन्जिट्यूडनल मतलब हम एक ही पॉपुलेशन से बार बार रिसर्च करेंगे कि हमने एक पॉपुलेशन को सिलेक्ट किया पहले तीन महीने में उनसे डेटा लिया फिर अगले तीन महीने में उन्हीं से डेटा लिया फिर अगले तीन महीने में उन्नीस से डेटा लिया फिर अगले तीन महीने में उन्नीस से डेटा लिया तो बेसिकली क्या हुआ कि हमने बार बार वही पॉपुलेशन से डेटा लेते गए लेते गए ताकि हम देखें कि पहले टाइम जो कंक्लूजन आया था दूसरे टाइम पर जो कंक्लूजन आया था उनमें क्या डिफरेंस है इस तरीके से जो रिसर्च होता है दैट इज कॉल्ड लॉन्चिट्यूडनल बट दो दैट रिसर्च विच इज़ रिलेटेड विथ इमीडिएट प्रॉब्लम सॉल्विंग दैट इज कॉल्ड एक्शन रिसर्च तो बिल्कुल गलत है आपका स्टेटमेंट नंबर टू फिर इलेवन नंबर का जो स्टेटमेंट नंबर वन है वो कहता है कि फंडामेंटल रिसर्च कवर्स ऑल द नॉलेज एक्सपेरिमेंट थेरोटिकल वर्क टू गेट द न्यू वर्क नॉलेज इंफॉर्मेशन बिल्कुल सही है तो मैं आपको एक फंडामेंटल रिसर्च को ये हम प्योर रिसर्च भी कहते हैं या इसको हम बेसिक रिसर्च भी कहते हैं ठीक है ठीके? और इसका क्रक्स आपको याद रखना है कि जो भी आपके थियरी बिल्डिंग के ऊपर बात करेगा तो थियरी बिल्डिंग इज रिलेटेड विथ फंडामेंटल रिसर्च प्योर रिसर्च या बेसिक रिसर्च तो स्टेटमेंट नंबर वन आपका सही है और स्टेटमेंट नंबर टू जो है वो आपका गलत है मतलब राइट right आंसर यहाँ पे बनने वाला है ऑप्शन नंबर सी दैट इज स्टेटमेंट नंबर वन इज करेक्ट बट स्टेटमेंट नंबर टू इज इन करेक्ट एवरी वन क्लियर विद दिस मच चलो एक बार कमेंट में बता दो सभी लोग समझ में आ रहा है जितनी चीजें डिस्कस हुई है अब तक बहुत बढ़िया तरीके से डिस्कस कर रहे हैं ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो और ये दिमाग में आपके फिट रहे एग्जाम तक ये सेशंस मिलेंगे पेपर टू अगर कॉमर्स एंड मैनेजमेंट है कि तो उसका भी सेशन मिलने वाला है आपको वो तो बने रहे सब्सक्राइब करते रहे अपने फ्रेंड्स में शेयर करें ताकि उनको भी ये सारे बेनिफिट्स मिल पाए जितना तो आप शेयर करेंगे उतना उनको भी बेनिफिट इससे मिल पाएगा अगला क्वेश्चन आपके रह ये रहा थ्रू विच रिसर्च मेथड अभी बताया था द मैनिपुलेशन ऑफ एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड इट्स इफेक्ट ऑन डिपेंडेंट वेरिएबल इज एक्साम विद रेफरेंस टू अ असिस अंडर कंट्रोल्ड कंडीशन कंट्रोल कंडीशन में हम दो वेरिएबल की बात करते हैं हमेशा सभी का राइट आना चाहिए चलो ऑलरेडी कमेंट आना शुरू हो गया है बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया एवरी कमेंट करेंगे सभी लोग कमेंट करना है चलो सभी लोग कमेंट करते रहे ताकि मुझे भी पता चले किसका आंसर राइट है किसका आंसर गलत है एंड आपके कंसेप्ट कितने क्लियर है तो ऑलरेडी वी हैव डिस्कस मेनी टाइम्स ऑन दी अन एकेडमी जब हमने सेशंस लिए थे इस टाइप के रिसर्च को क्या बोला जाता है इस टाइप के रिसर्च को बोला जाता है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च विच इज़ ऑलवेज़ रिलेटेड विथ कॉज एंड इफेक्ट तो कॉज एंड इफेक्ट की बात करता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल ये सभी को पता है लेकिन कभी कभी पेपर में ये भी पूछा जाता है कि कौन से वेरिएबल को हम मैन्युपुलेट करते हैं तो रिमेंबर इंडिपेंडेंट वेरिएबल को ही हमेशा मैन्युपुलेट किया जाता है उसमें चेंज किया जाता है और उसका हम क्या करते हैं उसका हम इम्पैक्ट या उसका हम इफेक्ट देखते हैं हमारे डिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर तो राइट आंसर यहां पे बनने वाला है सभी ने ऑलरेडी राइट आंसर दे दिया दैट इज एक्सपेरिमेंटल रिसर्च इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन आई होप दिस कंसेप्ट इज क्लियर टू एवरी वन जिसको भी प्रॉब्लम था सभी का ये कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए बिकॉज यूजुअली पेपर में एक्सपेरिमेंटल रिसर्च एक्सपोस्ट फैक्टो रिसर्च के ऊपर क्वेश्चंस बार बार पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में भी इसीलिए इस टाइप के क्वेश्चंस को हम भी सॉल्व कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन टीचिंग का है स्टेटमेंट नंबर वन इफेक्टिव टीचिंग इन द क्लासरूम डिमांड्स नॉलेज ऑफ द कम्युनिकेशन प्रोसेस एंड स्टेटमेंट नंबर टू कहता है पॉजिटिव क्लासरूम कम्युनिकेशन लीड्स टू को सुना होगा बिजनेस लॉ में वर्ड है, है तो जरा इसका आंसर देना देखते आपके तरफ से क्या आंसर आता है तो बहुत सारे बच्चे राइट आंसर दे पा रहे हैं चलो क्या बात है डिस्कस करेंगे अभी हम कमेंट करते रहे आप मैं आपके कमेंट्स देख रहा हूँ साइड बाय साइड इफेक्टिव टीचिंग इन द क्लासरूम डिमांड्स नॉलेज ऑफ द कम्युनिकेशन प्रोसेस यस बिल्कुल सही है कि अगर आपको कम्युनिकेशन प्रॉपर करना है अगर आपको इफेक्टिव टीचिंग प्रॉपरली करना है अगर आपके स्टूडेंट्स को आपने पढ़ाया हुआ सिखाया हुआ प्रॉपरली समझ में आना चाहिए तो उसके लिए आपको कम्युनिकेशन प्रोसेस का नॉलेज होना चाहिए ऐसा स्टेटमेंट नंबर वन कहता है तो बिल्कुल सही है हाँ नॉलेज होना ही चाहिए बिल्कुल सही कह रहा है स्टेटमेंट नंबर वन तो स्टेटमेंट नंबर वन इज एब्सोल्युटली राइट लेट अस सी द स्टेटमेंट नंबर टू नाउ पॉजिटिव क्लासरूम कम्युनिकेशन लीड्स टू कोयर्शन बिल्कुल गलत कोयर्शन एक नेगेटिव टर्म है ठीक है कोयर्शन का एक्चुअल मीनिंग क्या है किसी को अगर हम डरा धमका के उससे एक्सेप्टेंस लेते हैं तो उसको हम क्वर्शन कहते हैं तो पॉजिटिव क्लासरूम कम्युनिकेशन लीड्स टू कोशन कहता है वो तो नेगेटिव कंसेप्ट है तो बिल्कुल गलत स्टेटमेंट नंबर टू आपका गलत है स्टेटमेंट नंबर वन आपका सही है मतलब राइट आंसर यहाँ पे बनेगा स्टेटमेंट नंबर वन इज करेक्ट बट स्टेटमेंट नंबर टू विल बी इनकरेक्ट आई होप दिस कंसेप्ट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू तो राइट right आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी बनने वाला है एवरी क्लियर तो एक बार जरा कमेंट करके बताइए आपका प्रेजेंस कि आपको समझ में आ रहा है ये सेशंस की नहीं आई एम वेटिंग फॉर योर कमेंट्स जल्दी जल्दी आने चाहिए सबके कमेंट्स ओके वेरी गुड वेरी गुड ऑल ऑफ यू कमेंट्स के आ रहे हैं क्या बात है नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए मैच द फॉलोइंग ये बार बार लाते रहता हूँ मैं बिकॉज मैच द फॉलोइंग में आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स रिवाइज होते हैं फंडामेंटल रिसर्च अप्लाइड रिसर्च एक्शन रिसर्च या इवेल्युएटिव रिसर्च ध्यान से आंसर करे चलो कमेंट करते रहे ध्यान से कमेंट आने चाहिए आपके ध्यान से ऑप्शंस को देखे पहले और इस तरीके से मैच द फॉलोइंग ऐसे टाइप का क्वेश्चन होता है इसमें हमको ऐसा नहीं कि हमें हमेशा सारे ऑप्शन सारे पॉइंट्स आने ही चाहिए एक दो ऑप्शन से भी आपके मैच द फॉलोइंग के क्वेश्चन ईजीली सॉल्व हो जाते हैं बहुत बढ़िया बढ़िया पॉइंट्स है चलो कमेंट आपके आना शुरू किए हैं चलो कमेंट्स आ रहे हैं काफ़ी बढ़िया चलो वेरी गुड वेरी गुड ऑल ऑफ यू लेट अस डिस्कस नाउ देखो फंडामेंटल रिसर्च को प्योर रिसर्च या इसके लिए मैंने आपको क्या बताया था फंडामेंटल रिसर्च के लिए बेसिक चीज़ क्या याद रखनी है थ्योरी बिल्डिंग याद रखना है क्या याद रखना है थ्योरी की बात करेगा नए थ्योरी की बात करेगा तो देखो यहाँ पे ऑप्शन देखते एक बार देखो थ्योरी बिल्डिंग दिख रहा है यहाँ पे देखो इसका मैचिंग यहाँ से हो गया सेकेंड नंबर से फिर अप्लाइड रिसर्च ठीक है अप्लाइड रिसर्च जो है अप्लाइड रिसर्च क्या करेगा कि एक्सप्लोर करेगा नए नए सिचुएशंस को तो एक्सप्लोर करने वाला है अप्लाइड रिसर्च यहाँ पे दिख रहा है एक्सप्लोरिंग द पॉसिबिलिटी ऑफ अ थ्योरी फॉर यूज इन द वेरियस सिचुएशंस एक्शन रिसर्च की क्या बात करता है एक्शन रिसर्च क्या होता है इमीडिएट प्रॉब्लम सॉल्विंग की बात करता है जो एग्जिस्टिंग सिचुएशन है उसमें इंप्रूव करने की बात करता है तो देखो यहां पे है इंप्रूविंग एन एग्जिस्टिंग सिचुएशन थ्रू यूज ऑफ इंटरवेंशन इसका आंसर ये बन जाएगा और इवेल्यूटी के लिए ऑप्शन नंबर वन मैच होता है ठीक है तो आपका राइट right आंसर क्या बनने वाला है राइट right आंसर बनने वाला है ऑप्शन नंबर बी दैट इज टू फोर थ्री वन विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन मैच द फॉलोइंग मैंने पहले भी बहुत बार डिस्कस कर लिए थे तो आज का आखिरी क्वेश्चन ये रहा आपके सामने अन एकेडमी पर हम लोग पच्चीस क्वेश्चन लेते थे यहाँ पे हम पंद्रह पंद्रह क्वेश्चन ही लेंगे ताकि आपको ज़्यादा टाइम भी ये जो वीडियो है जो लोग रिकॉर्डिंग देखेंगे बड़ा बड़ा रिकॉर्डिंग देख के फिर डर जाते है इसीलिए जो रिकॉर्डिंग देखेंगे उनके लिए भी ये सारे क्वेश्चन रिवाइज करने के लिए हेल्पफुल हो जाए स्विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट तो इनमें से कौन से स्टेटमेंट्स आपके करेक्ट है स्टेटमेंट नंबर वन अगेन इज इट इज ऑन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च एक्सपेरिमेंटल रिसर्च इज अ रिसर्च इन विच इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज मैनिपुलेटेड एंड इफेक्ट ऑन डिपेंडेंट वेरिएबल इज एनालाइज स्टेटमेंट नंबर टू कहते हैं बिबलियोग्राफी गिवन इन द रिसर्च रिपोर्ट हेल्प दोज हुर इंटरेस्टेड इन फर्दर रिसर्च तो देखते हैं आपके तरफ से क्या आंसर आता है तो डिस्कस करेंगे ऑलरेडी स्टेटमेंट नंबर वन तो किसी का गलत होना नहीं चाहिए मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है अब भी जस्ट हमने एक्सपेरिमेंटल रिसर्च की बात की थी कमेंट आना सबके सबके शुरू हो गए वेरी वेरी गुड गुड आ रहे हैं क्या बात है वीडियो को लाइक करें आप वीडियो को लाइक नहीं करते हो सभी लोग वीडियो को लाइक करें ताकि आप ये वीडियो बहुत सारे लोगों तक पहुंच जाए और उनको भी ये सारे सेशंस का बेनिफिट हो पाए चलो थैंक यू वेरी मच बहुत सारे बच्चे लाइक कर चुके हैं वीडियो को विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट एक्सपेरिमेंटल रिसर्च इज अ रिसर्च इन विच इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज मैनुपोलेटेड हाँ जी बिल्कुल सही है इंडिपेंडेंट वेरिएबल ही मैन्युपोलेट होता है और उसका इंपैक्ट या इफेक्ट हम देखते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल पे तो बिल्कुल सही है जो हाइपोथेसिस टेस्टिंग एंड जनरलाइजेशन की बात करता है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च तो स्टेटमेंट नंबर वन जो है दैट विल बी करेक्ट बीबलियोग्राफी जो हम लिस्ट देते हैं बुक्स की जो हम लोग हमारे रिसर्च में यूज uh, करते हैं तो वो हम लिस्ट क्यों देते हैं कि वो हम लिस्ट इसीलिए देते हैं कि जो वही लिस्ट से फिर जो फर्दर इंटरेस्टेड होगा रिसर्च करने के लिए वो लिस्ट देख के उसको भी उसका बेनिफिट मिल पाए तो बिब्लियोग्राफी गिवन इन द रिसर्च रिपोर्ट हेल्प्स दोज हु आर इंटरेस्टेड इन द फर्दर रिसर्च यस बिल्कुल सही है तो बिब्लियोग्राफी से जो जो रिसर्चर आगे जाके और कोई रिसर्चर हमारे टॉपिक के ऊपर रिसर्च करना चाहता है तो उसके लिए एक एडवांटेज हो और वो फर्दर रिसर्च के लिए हेल्प हो पाए दैट इज द मेन इंटेंशन ऑफ द बिब्लियोग्राफी द लिस्ट ऑफ़ द बुक्स विच वी आर गिविंग तो इसके लिए दोनों के दोनों स्टेटमेंट आपके यहाँ पे सही है मतलब ऑप्शन नंबर ए जो है आपको सही मार्क किया है यहाँ पे बिकॉज बोथ द स्टेटमेंट आर करेक्ट आई होप दिस फिफ्टीन क्वेश्चन आर क्लियर टू यू हमने बहुत सारी चीज़ों को डिस्कस किया सिंपल तरीके से आपको एक्सप्लेन किया है ताकि आपको ये सारी चीज़ें दिमाग में फिट रहे और पेपर में आपको ये सारी चीज़ें हेल्पफुल हो पाए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर ले वीडियो को लाइक करें चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर ले अभी ताकि अगले नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे कल मिलते हैं रात को आठ बजे थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू बाय बाय टेक केयर गुड नाइट